और मनीषा का नया गाना आया, आपको कैसा लगा? आपको और एक नया गाना भी, कितनी बार कर रहे हैं आज। जिया शंकर का एक बार फिर दिखा डबल स्टैंडर्ड, मनीषा रानी के नए म्यूजिक वीडियो को कर दिया इग्नोर। मनीषा और एल्विश के बीच में दरार में आई एक बार फिर जिया शंकर। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। गाइस वैसे तो हम चाहते हैं कि किसी को भी हेट न दिया जाए और किसी को भी हेट नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने स्टार को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप अपने कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते हो तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हेट तो ज़रूर किसी को नहीं मिलना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी वन और एनी काइंड ऑफ फैंडम। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब बात जिया शंकर की आती है तो जिया ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया है कि वो नागिन है और वो नागिन से कम नहीं है। वो थाली की बैंगन उनको घर में भी कहा गया था और यहाँ पर भी वो नज़र आ रही हैं। जब बात आती है मनीषा और एल्विश के रिलेशनशिप की तो उसको ख़राब करने में कभी भी जिया शंकर पीछे नहीं हटती हैं। वो तो बात अलग है कि एल्विश यादव मनीषा पर इतना भरोसा करते हैं कि उनको पता है कि मनीषा अगर कुछ भी बोलेगी तो वो उनके पीठ पीछे कभी नहीं बोलेगी। और यही बात मनीषा रानी में भी है, मनीषा कभी भी जिया शंकर या किसी और की बात नहीं सुनती है। वरना जिया शंकर ने तो कई बार ये काम किया है मनीषा और एल्विश के रिलेशनशिप को ख़राब करने में। लेकिन अब जिया शंकर पहुंची गणपति सेलिब्रेशन में और वहां से पूछा गया उनसे मनीषा रानी के म्यूजिक वीडियो पर तो जिया शंकर ने इग्नोर कर दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितनी बड़ी नागिन है। आखिर इतना ज़्यादा हेट मनीषा रानी से क्यों है? वो जिया शंकर से ही लोगों को एक बार पूछना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिया शंकर को बार बार इतनी गंदी ट्रोलिंग क्यों हो रही है, तो उसको एक जवाब सुनना होगा। उन लोगों को ये बातें समझनी होगी कि उसकी एक बड़ी वजह खुद ब खुद जिया शंकर ही हैं। उनकी हरकत है जो वो करती हैं जिसके चलते लोग उनको ट्रोल करते हैं। आखिर ऐसी ट्रोलिंग मनीषा की क्यों नहीं होती है? मनीषा को क्यों लोग प्यार करते हैं और हर कोई मनीषा की तारीफ ही करता है? लेकिन जब बात जिया शंकर की आती है तो खुद ब खुद उनके सबसे अच्छे दोस्त अभिषेक मलहान भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जिया शंकर के कुछ वही कारनामे हैं जो लोगों को याद आ जाते हैं। और वो हमेशा जब भी मीडिया के सामने आती हैं, जब भी कैमरे के सामने आती हैं, तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी ज़रूर फैला देती हैं जिससे कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए। आप बताना कमेंट बॉक्स में जिया शंकर ने नज़र ना लगे सॉन्ग को जो इग्नोर किया है उस पर आपका क्या है ओपिनियन? क्या वाकई आप भी मानते हैं कि ट्रोलिंग तो ज़रूर नहीं होनी चाहिए किसी की भी? लेकिन जिया शंकर के मामले में है ही कुछ बात ऐसी कि जिया जहाँ चली जाती हैं वहाँ नेगेटिविटी वो फैला देती हैं, लोग न चाहकर भी उनको ट्रोल करने में मजबूर हो जाते हैं। आप बताना अपना ओपिनियन, मैं जानना चाहूँगा इस कॉन्ट्रोवर्सी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।